ऑनली फ्लावर, पत गोभी नहीं खानी चाहिए, कितनों को पता है? नहीं पता आदिल, वो क्यों? कीड़ा होता है उसमें, टेपवर्म होता है, टेपवर्म जो है, टेपवर्म जो है वो उसके जो एग्स हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं उसको उबाल के या फिर उसको प्योर साफ करके खाया तो उसमें हमेशा रह जाते हैं एग्स, जल्दी दे आर प्रेजेंट इन साइड द लीव, और वो आपके पेट में जाएगा, पेट में वो पैरासाइट है, ब्लड सक करेगा, वो बड़ा हो जाएगा, और वो बड़ा होके वर्जोत वो बढ़ता बढ़ता वो सिर में चला जाता है, दिमाग का कीड़ा बोलते हैं। कई लोग, कई ढोंगी बाबाज होते हैं, मैंने सुना है जहाँ पे राजस्थान में और कई जगह, बहुत जगह ढोंगी बाबाज बैठे हैं, वो कहते हैं ये कीड़ा जो है ना आपका उसे कान से नाक से निकाल देंगे, बट वो दिमाग में है, वो आप निकाल भी लोगे वहां से जाते हैं लोग, क्योंकि वो दिमाग में बैठा हुआ है, वो दिमाग में आपका ब्लड सक कर रहा है। एंड वाई इट इज ऑलवेज इन द ब्रेन, कैन एनी वन टेल मी वाई इट इन द ब्रेन, वाई नॉट हार्ट, वाई नॉट इंटेस्टाइन? यस, लेकिन एक पार्ट और है, वेरी गुड आंसर, और ट्राई करो, यस, बिकॉज ब्रेन हैज 24 आवर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। ब्रेन हमारा एक ऐसा रीजन है जहां पे हमेशा साफ खून मिलेगा। रात को आप सोए हो, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, अगर आप लोगों को पता हो कि ब्रेन कीप्स ऑन वर्किंग थ्रू आउट डे, थ्रू आउट नाइट, आप सो रहे हो, सपने लेते हो, रिस्पायर करते हो, हार्ट में ब्लड कभी रुकता ही नहीं, हार्ट में ब्लड चलता रहता है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ब्लड में पंपिंग हो रही है, पता ही आपको। ब्रेन में वो ब्लड हमेशा साफ रहेगा बिकॉज आपका ब्रेन है, अभी आपने बताया इट इज द कंट्रोलिंग ऑर्गन, ब्रेन आपका सपने ले रहे हो, रिस्पायर कर रहे हो, यूरिन फॉर्म हो रहा है, खाना खा के सोए हो तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग। तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है विच हैज 24 आवर्स ब्लड सप्लाई, एंड विच ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए कमल, ब्रेन में ऐसा कीड़ा रहता है, और वो कीड़ा जब ब्रेन को खाता है तो ब्रेन जो है कुछ सेकेंड्स के लिए उसमें दौरे पड़ते हैं, उसमें फिट्स होते हैं, जिससे ब्रेन में कंट्रोल नहीं रहता और फिर एकदम दर्द उठती है, तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ढोंगी बाबा की बात की, वो जो कान से निकाल रहे हैं, नाक से निकाल भी लेंगे तो उसके हमेशा ग्लॉटेड रह जाते हैं, जो पीछे टुकड़ा रह जाता है और वो ग्रो करता है। एंड इफ यू गेट टू नो दी लेंथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, यू विल बी सरप्राइज्ड, 6 meters लॉन्ग, अगर आप सिख फैमिली से हो तो आपको पता है टर्बन 6 meters लॉन्ग, और अगर आप लोगों ने देखा है मदर की साड़ी को देखा है तो वो 6 meters लंबी, इतना लंबा कीड़ा आपके दिमाग में और पेट तक बैठा हुआ है, तो वो अगर वो निकाल भी देंगे 1 meter या 2 meters निकाल भी देंगे तो बचा हुआ चार आपके पेट में ही, समझ आई बात? इट इज सो बिग। इसके लिए और दवाइयां आती हैं, ऑपरेशन होते हैं, डॉक्टर्स जो है इसको ऑपरेट करके निकालते हैं। एंड वाई इट इज सो बिग, बिकॉज इट इज रिबन शेप, रिबन पता है ना सभी को, तो रिबन जैसे zigzag करके आप रिबन लो, रिबन को zigzag कर दो, और zigzag में उसका सर्फेस एरिया ज्यादा हो गया, वो पतला सा है ऑर्गेनिज्म और zigzag करके बैठा हुआ है, जब उसको खोलोगे तो डबल लेंथ में होगा, तो इट इज डेंजरस बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन आर बॉडी। तो होस्ट जो हमारी बॉडी है, होस्ट है, और जो हमारी बॉडी पे रह रहा है वो क्या है? पैरासाइट। मैं ऐसी एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आप लोगों ने सुननी है ये कहानियां, फिर उसके बाद जब हम लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, आप लोग ये ट्रिक देख चुके हो, केमिस्ट्री में भी ऐसे किया था हमने, पहले समझाया फिर उसके बाद लिखा। तुम कैन यू रिपीट द नेम ऑफ दैट पैरासाइट? टेपवर्म, टेपवर्म, ठीक है, टीनिया बोलते हैं उसको साइंटिफिक नेम। अब एक और ऐसी, ये तो मैंने एनिमल में एग्जांपल बता दी, टेपवर्म हो गया, आपके पेट में और कीड़े होते हैं, स्कैरिस हो गया, पिनवर्म, किसी ने सुने पिनवर्म? पिनवर्म बच्चों को हो जाते हैं, बच्चों के एनल रीजन में, समझ रहे हो ना, हम साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग समझ रहे हो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उनके बच्चों के पॉटी एरिया में इचिंग होती है, सीवियर इचिंग, एंड दे क्राई अ लॉट बिकॉज उनके पॉटी एरिया में ही वो रहते हैं, वो पिनवर्म, दे आर प्रेजेंट इन दी स्टमक एंड दे गो, दे स्टार्ट ब्रीडिंग एट दैट रीजन। वील डिस्कस इफ यू विल गो फॉर बायोलॉजी इन योर प्लस वन और +2 क्लास, तो मत सुनो इसके बारे में। अब तो ये एनिमल्स हो गए, ऐसे ही अगर हम बात करें प्लांट्स के केस में पैरासाइट, तो उसमें आती है कस्क्यूटा, याद रखना है आपने, प्लांट में पैरासाइटिक प्लांट कौन है? कस्क्यूटा, वो है अमर बेल, आई शेयर दैट पिक्चर इन द ग्रुप।
मैं आज ही जाके अभी ग्रुप में जो जो बच्चे नहीं है आई ऐड, सो आई विल कीप ऑन शेयरिंग पिक्चर्स आल्सो. तो कस्क्यूटा ये आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा, येलो कलर की वायर्स आ जाती है पेड़ों के ऊपर, ऐसे लगता है किसी ने जाल ही बिछा दिए, तारे बिछा दिए. दे आर येलो इन कलर एंड दीज येलो वायर्स आई हैव रेड, येलो वायर्स होती है एंड दे हैव दिस पेग लाइक प्रोजेक्शन. पेग मतलब वो पेग, वो पीने वाला पेग नहीं है, ये पेग प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं, इसको इस शेप को बोलते हैं पेग लाइक प्रोजेक्शन. नाम वही, स्पेलिंग वही है पेग. इट इज अ पेग लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी. ठीक है, समझ समझे मेरी बात. तो साइंस में समझ के करोगे तो लर्न भी हो जाएगा आपको. तो मैंने यश आपको एनिमल्स में बताई थी टेपवर्म, प्लांट्स में कौन सी एग्जांपल दी है. कस्क्यूटा कॉमन नेम क्या है, अमरबेल, अमरबेल. ठीक है, तो अब आप लोगों को हेटरोट्रॉप्स में कंज्यूमर में पैरासाइट पता चल गए. नाउ कमिंग टू सेप्रोफाइट, सेप्रोट्रॉप. अच्छा बच्चे, सेप्रोफाइट, सेप्रोफिटिक क्या होता है. सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें डेड या डिकेइंग पार्ट को खाना. अगर किसी के पास लेदर के शूज, पंजाबी जुत्ती, लेदर बैग्स हैं, तो किसी ने देखा है कि उस पर व्हाइट व्हाइट कलर का ये उली लग जाती है. किसने ऑब्जर्व किया, बॉयज बैठे हैं तो ओके, लेदर, लेदर जैकेट में, तो वो फंगस आ जाती है. तो सेप्रोफिटिक मोड वो न्यूट्रिशन है विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग. सपोज पुष्कर, यहाँ ना सब बच्चे एक्सपेरिमेंट बनते हैं, तो पुष्कर इज अ न्यू स्टूडेंट है, तो पुष्कर घूमने गया अपहिल पेरेंट्स के साथ सोलन, एंड पुष्कर ने वहां एक बड़ा सा पेड़ देखा, लॉग ऑफ ट्री, जो जो लॉग ऑफ ट्री है वो गिरा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़, ह्यूज ट्री है. और इसको लगा कि यार क्या पिक्चर आएगी यहाँ पे, मैं जाता हूँ, मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, डीपी लगानी है, तो आई विल गो एंड टेक अ पिक्चर. अभी ये पुष्कर उसके पेड़ के पास गया ही था और इसने पैर रखा ही था, वो पेड़ नीचे गिर गया, वो चूर चूर हो गया. ऐसा कभी किसी ने सुना है, अंदर से खोखला. पुष्कर तो अब क्या हुआ, इसका मूड खराब हो गया. लेकिन ये साइंस का स्टूडेंट है, इसने दिल पे नहीं ली बात, इसको याद रहा कि ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्योंकि वो बड़ा पेड़ खाने के लिए एक जानवर था, फंजाई, विच इज विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. समझे, वो बड़ा पेड़ स्कैवेंजर्स. तो जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो डेड और डिकेइंग चीज पे खाए, गली हुई चीज, सड़ी हुई चीज. अब क्लियर हुई बात. तो पुष्कर को याद आया कि ये तो सेप्रोफिटिक हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा पेड़ है, वो दूसरे पेड़ पे चला गया. ओके, नाउ कमिंग टू होलोजोइक. Holozoic mode of nutrition, अब सुन लो, it is a process of take, process of intake of complete food. क्या ऑनलाइन में समझ आ रहा है बच्चों सभी को? Yes, Soumya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, 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 Bhavit. Okay, yes, Rohan, we are missing you. Rohan, Shreya, Janvi, सबने धोखा दिया, चले गए आज हैं ऑनलाइन ऑफ ऑनलाइन में. Ma'am, I was sick. You were what? Ma'am, I am sick. I'm sick. Okay, okay. Take care of your health, बच्चे. Holozoic nutrition, तो holozoic वो nutrition है जो हम लोग खाते हैं. हम लोग we take in complete food. अब suppose अंकित हैं, अंकित अभी lunch करके आया है, अंकित chicken खाते हो? नहीं. तो अंकित ने क्या किया? पनीर लिया, चपाती, पनीर, साथ में दही रायता, सलाद, इसे सब कुछ एक bite में लिया और खा लिया. तब imagine कर सकते हो? तो इसने एक बाइट में कंप्लीट फूड ले लिया, क्योंकि पनीर इज प्रोटीन, चपाती कार्ब, कार्बोहाइड्रेट, और मम्मा ने घी डाला हुआ तो फैट भी हो गया, दही भी खा लिया इसने, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ ले लिया, सैलेड भी खा लिया. तो इनटेक ऑफ कंप्लीट फूड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ कंप्लीट फूड इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. कमल, कभी आपने सांप को खाना खाते हुए देखे? यस. तो वो क्या करता है, एक ही टाइम पे इनगल्फ कर लेता है. इज इट, वो अगर उसे चूहा खाना है, सपोज फीड कर रहा है वो रैट पे, तो वो एक ही टाइम में गल्फ कर लेगा. एंड यू विल, यू कैन सी कंप्लीट रैट विद इन द बॉडी ऑफ स्नेक. कितनों को पता है इस बात? खांसते हुए भी डर लगता है. तो जो माउस है या रैट है, वो डिग्रेड होना शुरू होगा, दो तीन दिन आपको दिखेगा, उसकी पूंछ गायब हुई, आज उसकी टांगे गायब हो गई,
that mode of nutrition is also holozoic is intake of complete food. पहले खा लिया फिर पचाया. Holozoic human, lizard, mammal, ठीक है, reptiles. हाँ वो कुछ और है, वो कुछ और है. अभी हम पढ़ेंगे. Also cows. हाँ mammals में बात कर लो, cows ये तो वही आ गया. Complete खा लेते हैं फिर उसके बाद digest करते हैं, उसी को छुपाते रहते हैं क्योंकि they have different stomach. पहले वो घास को digest करते हैं, cellulose को, फिर उसके बाद दोबारा normal digestion में लेके आते हैं. They have two stomach. कितनों को पता था इस बारे में? पहले वो सेल्यूलोज चबाते हैं. सेल्यूलोज क्या है? घास. क्या हम डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज? नो, बिकॉज दे हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज. तो अब न्यूट्रिशन समझ आ गया. तो न्यूट्रिशन तीन मोड था. प्लीज स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट, बी क्विक, राइट डाउन द हेडिंग न्यूट्रिशन. प्रोसेस ऑफ मैम, कैन यू वेट फॉर अ मिनट? ओके, टेक योर टाइम विद इट. Just let me know. Try to be quick. Ma'am, please don't use the red sketch pen, ma'am. Marker. Ma'am, it's not Sorry? Visible. Which one? Red one? Yes, ma'am. Okay, okay. ठीक है बेटे. नहीं नहीं आप लिखो बेटे, ये मैंने अभी लिखवाना है. ये I'll ask you to draw this also later on. Okay, mm-hmm. You can draw this. You can draw this. अब अभी ये ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे, आप पहले ये ड्रॉ कर लो फिर. एंड मजोत प्लीज छुट्टी नहीं, ठीक है? ट्राई नॉट टू अवॉइड द क्लासेस, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो. एक दिन की भी क्लास तो इट्स अ बिग लॉस. ओके, आर यू क्लियर विद द बैलेंसिंग पार्ट मजोत? नॉट येट, है ना? आई नो. हाँ आई नो, आई नो. प्लीज डो नॉट मिस योर क्लासेस बेटे. हाँ मुझे याद है बेटे, जो भी कोई मिस कर रहा है ना, प्लीज डोंट डू दिस बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन, है ना? बट आई विल टेक योर एक्स्ट्रा क्लास. हाँ नहीं कोई बात नहीं, आई विल टेक योर एक्स्ट्रा क्लास बिकॉज अभी और जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन इन कर रहे हैं उनको भी करवाना है. प्लीज स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट. न्यूट्रिशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. It is a process of procuring, PROCURING. Okay, okay, okay. Draw kar lo. Draw kar lo. Peg like projection. Huh? Holozoic. Purple sulfur bacteria. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I had a question, but it's a little out of topic. Haan, bolo. Ma'am, is air denser than water? Haan, nahin, nahin, nahin. Density of air, bachche, it depends on the air where it is present. If it is at the sea level, it is denser. If it is above the sea level, it is lighter. There's a question in physics. So a pencil partially dipped in water. So is the air above rarer or the water in the cup when, rarer? When? Sorry, can you repeat the question? A pencil is partly immersed in water. So is the rarer medium the water or the air? Rare medium, air. Okay. Density depends upon the number of water molecules, number of the air molecules present in a given medium. So, water mein number of water molecules will be more as compared to air molecules. Density is what? Mass per unit volume? Yes, ma'am. So, volume, jo mass hai, kiska heavy hoga? Water or air molecules? Water. Okay. Okay. Just take my WhatsApp number.
You can just ask me question, any query if you have, ask me directly, okay? Okay. So, bachche, nutrition mein aap likh rahe the, it is a process of procuring, P-R-O-C-U-R-I-N-G, process of P-R-O-C-U-R-I-N-G, procuring. Procuring ka matlab ho gaya sab kuch, khana khana, digest karna, usko remove karna. Procuring, P-R-O-C-U-R-I-N-G, and utilization of food. Utilization of food. So nutrition ki complete definition is process of procuring and utilization of food. Components of food, heading likho, components of food. Different components hote hain jo ekdam energy dete hain, likho. Energy giving, first type likho, energy giving. बॉडी बिल्डिंग किससे बॉडी बिल्ड होती है बॉडी बिल्डर प्रोटीन वे प्रोटीन खाते हैं एग वाइट खाते हैं रिच इन प्रोटीन है ना क्यों खाते हैं एग वाइट या फिर मीट वे प्रोटीन फिश 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 नहीं हाँ फिश नहीं खाते फिश इज फैट चिकन मीट वाइट मीट नॉट वाइट वाइट नॉट रेड रेड इज अ फैट इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कंपोनेंट्स में फूड में आ गया एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग मेंटेनिंग फॉर मेंटेनिंग मेटाबॉलिज्म फॉर मेंटेनिंग मेटाबॉलिज्म सो यू ऑल नो ओके बॉडी बिल्डिंग एनर्जी गिविंग फॉर प्रोवाइडिंग For maintaining metabolism. अब आप लोगों को पता है कि food which is very good for health is protein. Like दाल अगर कोई बीमार होता है क्या बोलते हैं खिचड़ी या फिर दाल रोटी येलो दाल वेरी गुड फॉर हेल्थ अरहर की मसूर की येलो दाल इज वेरी गुड इजी टू डाइजेस्ट ऑल्सो लेकिन जब कोई बच्चा जैसे सपोज असेंबली में आप खड़े हो और कोई गिर गया है बच्चा तो उसको इमीडिएटली हम क्या देते हैं वाटर शुगर और वाटर शुगर एंड वाटर और ग्लूकोन डी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो याद रखना क्या आप उसको दाल खिला सकते हो भी गिरे तो दाल पी पहले या फिर उसको ये बोलते हैं चिकन खा तो ठीक होगा ऐसे तो नहीं बोलते ना कोई बेटा कोई बेड पे सॉरी टू से गॉड फॉरगिव अगर कोई बेड पे है हॉस्पिटल बेड पे और उसको आप बोलो नहीं तो चिकन खा तो ठीक हो जाएगा ऐसे बोलते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट अगेन दाल इज डिफिकल्ट टू आप क्या करते हो ग्लूकोज चढ़ा देते हो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स अब असेंबली में आप लोग सपोज धूप में खड़े हो मैंने आपको बोला चलो आज साइंस क्लास बाहर दोपहर को 12-1 बजे चलो धूप में और अभी एक बच्चा गिरना शुरू हुआ यश को देखा रेखी वजोत ने भी एक्टिंग की तो मैंने उनको दिया ग्लूकोज बिकॉज इट इज एन इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कुछ सेकंड में कुछ मिनट में दोनों बच्चे फिट हो गए हाँ वो ग्लूकोविटा वही कह रहे हो दैट इज नॉट टू गुड अब बच्चे क्या करते हैं वो पूरी की पूरी खा लेते हैं और कहते हैं पता नहीं वो जैसे एड में है कि वो डॉग पीछे भाग रहा है तो वो डॉग से भी तेज भाग रहा है ऐसा कुछ नहीं हो बट वो गलत चीज है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो बैड ठीक है पहले हमारे टाइम पे एनर्जी ड्रिंक्स आती थी जैसे ग्लूकोन मुझे भी याद भी नहीं वो जो मीठा पानी ऑरेंज गेटोरेड यस मैम नहीं वो नहीं मुझे वो तो अभी वाली है ना जैसे ये तो एनर्जी ड्रिंक्स अभी है अभी पुरानी वाली होती थी जिसमें जैसे वो फ्रूटी ये ऑरेंज सा होता था फ्लेवर है ना जो हम बचपन में हम पीते थे हमारा बचपन मेरा बचपन आपका नहीं आपका तो बचपन ही चल रहा है तो वो जो ड्रिंक्स होती थी दे वर वेरी स्वीट एंड दे आर नॉट गुड दे वर नॉट गुड फॉर हेल्थ तो वो जो एनर्जी ड्रिंक्स अब तो खैर डिफरेंट आ गई एनर्जी ड्रिंक्स अब तो वो फैशन वाली एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो अभी बताया आपने गेटोरेट हो गई रेडबुल ये सब हाँ सो ऑन मतलब बहुत सारी एटसेट्रा एटसेट्रा ये आ गई तो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ आर दे गुड फॉर हेल्थ तो इट इज बेटर टू हैव वन चपाती एक्स्ट्रा
Or maybe, yes, rather than eating these, or maybe you can have a layer of ghee on your chapati, okay, in order to give instant energy. Because they are instant energy. And instant energy source is glucose only. Yani neembu pani de do ya glucose. One and the same thing. But kisi ke drip lagate hain to neembu pani nahi dete. Glucose dete. Instant energy source. So energy giving mein poochha jata hai. Question aata hai NTSC mein. Which is the energy, which is the instant energy source for patient. So maximum bachche likh dete hain dal. Wo to kehte hain hospital mein to glucose kaun deta hai? Glucose to kabhi koi cheez hai? Wo kehte hain nahi dal. So ab aap likhoge types mein, types of nutrition mein likho. Autotrophic. So types mein humne kya likha tha? Autotrophic. It is a mode of nutrition in which autotrophic nutrition. It is a mode of nutrition in which an organism makes its own food. It is a mode of nutrition in which an organism makes its own food. In which an organism makes its own food. From simple inorganic materials, from simple inorganic materials, plants kya kya use karte hain? Ankit, sunlight or water or chlorophyll, okay, or carbon dioxide. Dekho, from inorganic substances like CO2 and water. Simple inorganic substances like CO2 and water with the help of sunlight energy. Sunlight energy. For example, likh lo ye. From it prepares its own food from simple inorganic materials like CO2 and water with the help of sunlight energy. Likh liya sabhi ne? For example, green plants. Or without sunlight, mein likh lo. Ye NTSC ke liye main alag se likhwa rahi hu. This is not given in NCERT. Next line mein star dal ke likh lena. Without sunlight, purple sulfur bacteria. Without sunlight. Ma'am, so this bacteria is present in water. Deep ocean. Where sunlight is absent. Okay. वो भी बताते हैं वो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे ठीक है वो चीज क्यों आती है नींद ज्यादा खाना खाने से नींद यस मैम सो ऑल द एक्वाटिक प्लांट्स विल बी लाइक दिस ओनली विदाउट सनलाइट नहीं एक प्लांट्स विल बी फोटोसिंथेटिक दिस इज मैम बट हाउ मैम बट इट्स डार्क डीप इनसाइड दोस हां मुझे वहां प्लांट्स नहीं मिलेंगे जहां डीप ओशंस हैं वहां प्लांट्स बहुत रेयर होते हैं वहां दे आर If organisms are there, they are algae, which is brown in color, brown algae hogi. Green is rare, deep inside ocean. Generally, they are white. Agar aapko pata ho, Great Barrier Reef mein bhi, jo niche jo reefs hain, coral reefs, they are brown in color. They are not green in color. Wo upar upar hi hote hain, floating plants. There are free floating water aquatic plants also. ठीक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच Organisms cannot make their food in which organisms cannot make their food and depends on other organisms for their food. In which organisms cannot make their food ma'am
in the line, it depends on other organisms. Can we write other organism and plants? Because yes, yes, maybe plants or maybe other. अच्छा अब हम है, we are heterotrophic, but we are not totally dependent on plants. We eat meat also, we eat milk products also. We are not totally dependent on plants, है ना? Some are totally non-vegetarian, is it? Okay. Or in fact, animals also. Many animals, they are totally, they feed on other animals. They are not at all dependent on animals, plants. They are totally carnivores. Yes. Yes, lion, tiger, they are totally, they do not feed on plants. But indirectly. Indirectly, but directly. Heterotrophic mode is, jo aap kha rahe. Got it? Yes? Just speak out, got it? Yes. Okay. It is a mode of nutrition in which organisms cannot make their food and depends on other organisms for its food. For example, dog, man, cat, and non-green plants like yeast. Dog, man, cat, and yeast. Y-E-A-S-T. Yeast, pata kya hoti hai? Baking mein use karte hain. Baking, baker's yeast hoti hai. Yeast ek fungus hai. Yes. Because yeast jo eggless banaye jaate hain cakes. Theek hai? In fact, jo jahan pe bhi kaam zyada karna hai, jaise apne dosas bahut zyada number mein banane hain, at least they are without egg. So instead of adding baking soda or this curd, they add this baker's yeast. Theek hai? Baking industry mein baker's yeast is very common. Yeast. Types of heterotrophic nutrition. Pushkar, tell me first type of heterotrophic nutrition. What is the first type of heterotrophic nutrition? Parasitic. Write down. Types of heterotrophic nutrition. Pehla aap likhoge parasitic. It is a nutrition in which kiski body pe rehte hain? Us organism ko kya bolte hain? Host. Host nahi, host. Haan, theek hai, theek hai. वो मास में ऐसे घोस्ट लग रहा है होस्ट इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव डी आर आई वी एस डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम ओके इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड डिराइव डी आर आई वी derive its food from body of other organism called host. Body of other organism called host. Adil kya host ko kill karte hai wo? Parasite? No, without killing it. Feed karte hai. Khana khate rehte hai without killing it. But are they harmful? Yes. Aapki body se koi blood suck kar raha hai to kya aapki body ko harm? Huh? नहीं नहीं इसमें सिम्बायोटिक नहीं इसमें नुकसान है पैरासिटिक में हमेशा नुकसान होगा एक को फायदा एक को नुकसान ठीक है यस तो इसमें नेक्स्ट लिखो विदाउट किलिंग इट फॉर एग्जांपल राउंड वर्म पेट के कीड़े बच्चों के आ जाते हैं ना पेट में कीड़े डीवर्मिंग आप लोगों की क्लासेस में भी हुई होंगी सेवेंथ एट्थ क्लास में वैसे तो टेंथ तक बच्चों करवाई कितनों की करवाई है स्कूल में सब स्कूल्स में कंपलसरी है चंडीगढ़ में वो हाँ टैबलेट्स देती है एल्बेंडाजोल सब स्कूल्स में इनफैक्ट चाहत आपके स्कूल में भी मिला है बेटे जरूर मिला होगा यू आर इन अ वेरी गुड स्कूल हाँ तो वो टैबलेट्स देते हैं डीवर्मिंग करने के लिए पेट के कीड़े मारने के लिए आपके भी दिए होंगे वहाँ स्कूल में टैबलेट्स होती हैं पेट के कीड़े मारने के लिए कभी मिला फेब्रवरी के टाइम में जनवरी फेब्रवरी फेब्रवरी में देते हैं नहीं मैंडेटरी है यहाँ तो वो डीवर्मिंग करनी पड़ती है वो बच्चे जैसे एक को इन्फेक्शन होता है पेट में कीड़े आते हैं और बच्चे इसी प्रॉब्लम से कई बच्चे बोलते हैं कंप्लेन करते हैं घर जाके कि मम्मा मुझे भूख नहीं लग रही मेरे पेट में दर्द रहता है हमेशा
और मेरे पेट में जो है बच्चे रात रात को रोते रहते हैं, कुछ खाते नहीं है. दिस इज बिकॉज ऑफ वर्म्स, पेट में राउंड वर्म. एंड इन केस ऑफ प्लांट्स क्या थी ये एग्जाम्पल, ये किसका बनाया था डायग्राम पे, एग लाइक प्रोजेक्शन, कस्क्यूटा. एंड इन प्लांट्स कस्क्यूटा, नॉट पेग, बस कस्क्यूटा, पेग लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, कस्क्यूटा इन प्लांट्स, CUSCUTA. बट ये पैरासिटिक में, कस्क्यूटा पैरासाइट है, बताया आप लोगों को मैंने. इसके बाद नेक्स्ट टाइप कौन सी है, ये सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक में मैं क्या एग्जांपल बताई थी कमल, याद है बेटे, सेप्रोफिटिक वो याद है, पुष्कर घूमने गया था, फंजाई, ये बोला आपने, हाँ फंजाई, खोखला कर देते हैं, यस, डेड एंड डिकेइंग. अच्छा कहानी से ना ये याद रहता है, बिलीव मी जो ये स्टोरीज है हेल्प करेंगे, अब ना पुष्कर को बोलोगे ना वो स्टोरी बोलोगे. तो लिखो सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक पे इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम, क्या बोला था मैंने, डेड एंड डिकेइंग. It is a process in which organism obtain its food from dead and decaying plants and animals. Dead and decaying plants and animals. For example, किसकी example थी वो, क्या है इसके अंदर example, जो आपके leather fungi, leather bags पे लगी थी, leather shoes पे. Organism feeds on dead and decaying plants and animals. उली लग जाती है खाने पे भी, उली लग जाती bread पे भी. That is also saprophytic. Bread पे उली लगना, bread mold. वो rancidity है, bacterial infection. Rancidity हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जरूरी नहीं वो फंजाई से हो, एल्गी बैक्टीरिया से भी हो सकती है. रेंसिडिटी पढ़ा था ना हमने. नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी है, होलोजोइक. लिखो फिर होलोजोइक. हिमांशु कौन शो करता है होलोजोइक, दो एग्जांपल बताई थी मैंने, कमल से पूछा था. कमल आप बताओ, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा था मैंने, कभी देखा है उसको खाते हुए, ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन कंप्लीट फूड मटीरियल, फीड्स ऑन कंप्लीट. It is a nutrition in which organism feeds on complete food material. Ma'am, can you tell what we have written after heterotrophic, because I got disconnected. Heterotrophic mein bete, dekho aapke paas board pe likha hua hai. Heterotrophic mein sabse pehli type kaun si di hui hai, sahas? Parasitic. So parasitic mein humne bataya tha aapko parasite aur host. Parasite, a mode of nutrition in which parasite depends on the body of host. Jaise example tha tapeworm, roundworm, cascuta, ye bhi parasitic tha. Theek hai, ye teenon examples. Theek hai? Yes, next tha saprophytic. Saprophytic which feeds on dead and decaying plants and animals. Example kya hai? Fungi. Aur abhi hum third likh rahe hai holozoic. Organism feeds on complete food material. Example likho humans and snakes. साथ समझ आया बेटे? Yes. Humans and snakes, frog, fish, amoeba, even amoeba भी. स्टार डाल के नीचे लिखो. Amoeba में holozoic nutrition है. NTSC का question. Amoeba shows holozoic nutrition. अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मैंने स्टोरी में बताया कि holozoic तो human कर रहे हैं, वो कहते हैं amoeba तो comparison में ही नहीं है.
But amoeba also shows the same thing. इसका मतलब क्या बताया मैंने पुष्पिंदर पुष्कर बच्चे मुझे ये बताओ कि होलोजोइक का क्या मतलब था इनटेक ऑफ कंप्लीट फूड इनगल्फ करना अगर किसी को याद हो अभी हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे प्लीज लुक एट बोर्ड एवरीवन बच्चे देखो इसमें ये जो अमीबा है एक सेल का बनाओ अब इसको यहाँ पे खाना दिखता है फूड दिखता है तो ये क्या करता है ये मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फूड इसको क्या बोलते हैं एनिमल सूडोपोडिया सूडोपोडिया सूडो का मतलब क्या था फॉल्स पोडिया का मतलब क्या है फूड फॉल्स फूड फॉल्स फीड अब जब ये खाना इसकी तरफ प्रोसीड करते हैं देन दे इनगल्फ दिस फूड खाना अंदर चला जाता है फूड वैक्यूल बनता है ये न्यूक्लियस है खाने को डाइजेस्ट करते हैं और जो अनवांटेड वेस्ट है दैट इज रिमूव आउट ऑफ बॉडी दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस पहले खाना खाया तो इसका मतलब इनटेक ऑफ कंप्लीट फूड खा लिया पूरा और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था उसको निकाल तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ यस दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी वेरी गुड आपने देखा था ये ना डायग्राम पेज नंबर टेल मी द पेज नंबर 98 ओपन योर बुक फॉर 98 पेज एवरीवन एनसीईआरटी इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन 98 पे दिया हुआ है इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी फॉर होलोजोइक न्यूट्रिशन प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी होलोजोइक न्यूट्रिशन आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स टू ड्रॉ दिस बी क्विक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वेस्ट क्योंकि हमने आगे भी टॉपिक्स फिनिश करने पेज 98 लेबल करना है Very good. Easy, Arjo? Okay. Excuse me, ma'am. Yes? Could you please tell what the pseudopodia stand for? Breakdown of pseudopodia. Pseudopodia? What is the meaning of it? Literal meaning. Okay, pseudo means false. Podia means feet. False foot. It's a kind of a projection. जो खाने को देखते ही आगे project किया foot. False foot. ऐसे लगता है पैर बढ़ाया. ये देखो. Look at the diagram. ऐसे खाना यहाँ पे पड़ा हुआ था तो इसको देख के इसे पहले ही ऐसे था. Foot दो था. लेकिन जैसे ही खाने को देखा it start projecting its foot. So it is not a true foot. So it is a false foot. That is why it is known as pseudo. False. Okay. Podia means feet like structure. Okay. Clear? Yes, ma'am. Now coming to another topic that is nutrition in plants. अब से पहले समझना है फिर लिखना थोड़ा सा difficult topic है but I'm telling you one thing समझोगे लिखोगे फिर मजा आएगा लेकिन otherwise हाँ story के साथ भी आएगा लेकिन it's better to understand the topics and then to write क्योंकि ऐसे तो सब कुछ लिखा हुआ है you have n number of books with you ठीक है अब देखो plants में nutrition कैसे होता है मुझे कोई भी एक स्टूडेंट सिर्फ हाथ रेस करना देर आर फोर रॉ मटीरियल विच आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स प्लांट्स को खाना बनाने के लिए चार चीजें चाहिए ओके थ्री स्टूडेंट्स हैव रेज देयर हैंड ओके यश पहले आप थे सनलाइट वाटर
वेरी गुड, ये बोला था आपने, सनलाइट, वॉटर, CO2, क्लोरोफिल. अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, देखना मैंने चार रॉ मटेरियल्स, क्या कोई गलत तो नहीं आ गया. देखो सनलाइट, वॉटर, CO2, क्लोरोफिल. देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट. आई विल टेल यू व्हाट. काया, Yes, are you there in the class? Yes. अच्छा आज बोल नहीं रहे. What happened? Is everything fine? Yes, yes Kaya? Ma'am. Okay. तो मुझे ये बताओ sunlight. आप इन तीन चारों चीजों में से plants को क्या क्या provide करते हो? आप क्या देते हो? No, we are not giving sunlight. CO2. Kaya का. What? We give CO2 and? Yes, Kaya, be quick. Ma'am, अभी हमारे फ्लैट में अभी प्लांट्स नहीं है तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं देती. नहीं, normally, normally आप नहीं, गार्डनर क्या देते हैं? Ma'am, water. Water. और sunlight उसे मिलती है. No, we don't give sunlight, बेटे. You give only two things. Even if it is not in the sunlight, in the artificial light it is there. मतलब If you are keeping your plant inside your room, then also it survives. Money plant. देखिए आपने कई plants होते हैं जो which survive yes, without the sunlight. Yes. So what we give plants is two things: CO2 or water. Light वो अपने आप ले लेते हैं, चाहे sunlight हो चाहे artificial light हो. और बचा हुआ रहेगा chlorophyll, chloroplast. Plant जब हरा है तो chloroplast है. Non green है तो नहीं. अगर non green है तो वो कौन सा था? Parasitic plant. क्या नाम है? कस्क्यूटा. कस्क्यूटा याद आने में बड़ा टाइम लगेगा. अमर बेल. आप क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया नहीं, अमर बेल या फिर कस्क्यूटा. अगर वो नॉन ग्रीन है तो पैरासिटिक है. ठीक है मेरे भाई, अगर नॉन ग्रीन है तो पैरासिटिक है, अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक है. तो चार चीजों में से काया ने, काया आज ही लेके आओगे आप मनी प्लांट किसी के घर से और उसके अपने घर पे लगाओगे बालकनी में, और ये दो चीजें आपने देनी है. काया, am I clear to you? Yes, ma'am. And do share the picture also. आप इवन के बच्चे हो, यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं. सब बताया था मैंने आप लोगों को. हाँ हाँ, 22nd अर्थ डे पे, डे वाले दिन, उसके अगले दिन बताया था, उस दिन क्लास नहीं थी. So these four things we are giving. Let us start with an experiment. कहते हैं ये तीन चीजें हैं, सनलाइट नहीं है, क्या पौधे चलेंगे? अभी हमने डिस्कस किया. यस, बट अगर मैंने ये लाइट भी नहीं दी आर्टिफिशियल, क्या प्लांट्स चलेंगे? अंधेरे में रखोगे वे जिंदा रहेंगे? तो क्या ये एसेंशियल है? यस, एसेंशियल कंडीशन. आपने पानी नहीं दिया, पौधा जिंदा रहेगा? वेरी एसेंशियल. आपने CO2 नहीं दी, क्या जिंदा रहेगा? आपने क्लोरोफिल या फिर वो पीला पड़ गया पौधा, क्या वो जिंदा रहेगा? नो. So these are the four criteria or four raw materials which are essential for plants to survive. छोटे छोटे experiments हैं, अभी हम read करेंगे आपके NCERT में दिए, चारों के लिए. और आप हैरान हो जाओगे अंकित, आपको एक एक का experiment से पता चलेगा कितना important. अब sunlight, अब पौधा जो है, अब green leafy plant है, उसका सबसे पहला function क्या होता है? To absorb. Excuse me, ma'am. Yes. Your video is off. Video is off. अच्छा, आप ये बोल रहे थे. हाँ. जब ना बड़ी problem है ये concentration में, मेरे को ये नहीं समझ आता यहाँ. Is it fine now? Fine? Yes. Okay. तो सबसे पहला part क्या होता है? Absorption of sunlight by chlorophyll. Very good. किसने भी answer? शाबाश. Absorption of sunlight by क्लोरोफिल. ये दो चीजें हो गई. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल सबसे पहला प्रोसेस है. किसको लर्न हो गया? दूसरा पॉइंट, एक मिनट पहले ये कंप्लीट कर लेना. फिर उसके बाद आता है पानी. वॉटर इज स्प्लिट अप, वॉटर स्प्लिट्स अप इंटू ओ टू एंड एच टू. स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन.
इस ऑक्सीजन का आधा लाभ क्या करते हो? What do we use with this oxygen? Inhale. We respire. So ye O2 to hawa mein chali gayi. Bacha hua rahega H. This helps in reducing NADH to NADPH. Dusra point suno. Pehla point maine kya bataya tha Pushkar? Batao. Absorption of light by chlorophyll. Dusra point kya bataya? Splitting of बोलो स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच और एनएपीएच लिखिए एनएडीपीएच डीबी हो सकता है एनएपीएच भी एनएडीपीएच ही बोलो लास्ट में बचा हुआ क्या रह गया कन्वर्जन ऑफ सीओ टू इंटू कार्बोहाइड्रेट खाना बनाते हैं क्या बात है ये बड़ी अच्छी क्लास है ये तो कार्बोहाइड्रेट The conversion of CO2 into carbohydrate. All these points are given in your NCRT. Please open your book for page. Next page. 96. Page topic. NADPH is a reducing power. Ye hamare ATP suna hai aapne? ATP. Energy currency of cell. Dobara bolo. ATP की फुल फॉर्म बता एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट बस एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसके आगे कुछ भी नहीं हाँ अब बताओ नहीं तो इसमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में टॉप में पहला पॉइंट क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल दूसरा क्या दिया हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर इंटू And oxygen and conversion of NADPH. Third point diya hua hai conversion of ya reduction of CO2 into carbohydrate. Kitno ko samajh aa gayi baat? These are the steps which are present in light reaction. Write down the heading. Heading likho. Nutrition in plants. Kya online class walon ko bhi samajh aa gaya? Yes. Clear everyone? Yes. Ma'am. Online walon ko bhi clear hai? Bolo bache. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में लिखो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम सीओ टू एंड वॉटर द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम सीओ टू एंड वॉटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी Green plants make their food from CO2 and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. From CO2 and water by using sunlight. By using sunlight in the presence of chlorophyll. In the presence of chlorophyll. इसी के नीचे इक्वेशन लिखो खाना बन रहा है सीओ टू सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल विल फॉर्म क्या बनाते हैं ग्लूकोज और अब आप लोग बोलोगे ग्लूकोज इट इज नॉट ग्लूकोज बहुत सारे बच्चे उसको लिख भी देते हैं ग्लू इट इज ग्लूकोज ओके Yes, 12 होते हैं 12 वाटर होते हैं बट आप अभी ये लिख लो 6 6 2 2 आई थिंक sometimes in the exam it also comes to balance the equation yes yes अच्छा आपके आई थी मैम एक्चुअली मैम was telling that it may come so you must okay learn. yes yes all the equations are important but everything is from your NCRT is important okay we'll cover everything don't worry And this reaction in your NCRT, in some books it is written 6CO2 plus 6H2O. Yes. But in some books, how many of you have this 6H2O? There are two schools. I guess it's in your book also. Yes? Pushkar, what is written? It is 6H2O, upper top equation, topic. 6H2O. 6CO2 plus 6H2O, it's 12H2O. 6CO2.
go to aage 12 ratio. So in some books it is 12 ratio, in some books it is 6 ratio, but it is 12. 6 CO2 plus 12 ratio. Hona yahan pe 12 thi, jinki books mein error hai, please write down 6 CO2 plus 12 ratio giving 66 ratio 06 plus 6 CO2 plus 6 H2. This is the balance equation. Please write down. Write down in your notebook. Three points. समझ के किया तो लर्न भी होगा अदरवाइज स्क्रैम करते तो निकालने में बहुत मुश्किल होता है. राइट डाउन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच कन्वर्जन ऑफ या रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट. राइट डाउन ऑल द थ्री पॉइंट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी पेज 96 इज इट पेज 96 Done with the 3 points? Yes. Okay, very good. Write down the next heading. Done? Okay, take your time. Done? Write down the next heading. Conditions necessary for photosynthesis. Manchu, kya char conditions are necessary for photosynthesis? Conditions are necessary for photosynthesis. Charo nikla, char conditions. I guess सभी को यहाँ तक clear हो चुका है. Okay, we have few experiments which are given in your NCERT. इसमें एक अभी I'll just discuss. We'll do these questions in the next class. ये topic हम next class में करेंगे. You must have seen on 96 page there is a leaf with yellow and green patches on it. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. अच्छा, अच्छा. तो बच्चे इसमें आपने देखा है देयर इज अ लीव व्हिच हैज ग्रीन एंड येलो पैचेस ब्लू एंड ग्रीन लेटर ऑन दे विल टर्न इनटू ब्लू एंड ग्रीन बिकॉज दे आर डिप्ड इन एन आयोडीन सॉल्यूशन. फर्स्ट लीफ जो होगी ब्लू येलो और ग्रीन होगी. दूसरी वाली येलो एंड ब्लू है. इज इट फर्स्ट वाली येलो और ग्रीन ही होगी भाई. बहन तो है नहीं यहाँ कोई भाई. ठीक है तो आपने देखा येलो एंड ग्रीन है. दैट लीफ इज कॉल्ड एज वेरीगेटेड लीफ. एक नाम सुन लो जिसपे धब्बे होते हैं ना पीले धब्बे. वेरीगेटेड एक नाम दिया है और इसमें लिखा होगा शायद वेरीगेटेड लीफ. एक्सपेरिमेंट में लिखा होगा. तो वेरीगेटेड लीफ इज अ लीफ विच हैज पैचेस ऑफ येलो एंड ग्रीन. तो अब क्या हुआ देखना था कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी और नॉट. क्योंकि जहां ग्रीन होगा वहां क्या होगा. जहां ग्रीन नहीं होगा वहां क्या है एब्सेंट. येलो है. येलो ठीक है समझ गए ना. बात बिल्कुल ठीक उसने बोली. मैं समझ गए आप लोग कि येलो मीन इट इज नॉन ग्रीन इट इज पैरासिटिक.
तो चेक करना था वेदर इज इम्पोर्टेंट और नॉट. तो हमने क्या किया, एक ऐसा पत्ता लिया जिसमें येलो और ग्रीन थे पैचेस थे, और उसको डिप किया आयोडीन सॉल्यूशन. आयोडीन में जहां खाना बना होगा ग्रीन है वहां खाना बना होगा, और खाना किस फॉर्म में था, ग्लूकोज. इट इज नॉट ग्लूकोज, इट इज ग्लूकोज, GLUCO. तो इट इज ग्लूकोज. जहां खाना है वहां स्टार्च है, पता है सभी को खाना किस फॉर्म में होता है, स्टार्च, शुगर या स्टार्च है. तो आयोडीन टर्न्स स्टार्च इनटू ब्लू ब्लैक ब्लू. जहां ग्रीन है क्या वहां ब्लू हो गया पत्ता डिप करने के बाद, किसमें डिप किया था, आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन. कितनों को बात समझ में आया. दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दूसरा भी एक्सपेरिमेंट है वेदर दिस CO2 इज इम्पॉर्टेंट और नॉट. इट इज गिवन ऑन पेज 97. उसमें देख सकते हो आप एक प्लांट है, पॉटेड प्लांट, गमले में रखा हुआ है एक पौधा जिसमें फूल लगा हुआ है, और आप काफी दिन तक अगर आप रखोगे उसमें से हमने क्या किया, CO2 उड़ा दी. क्योंकि वो जो प्लेट रखी हुई है, प्यारे बच्चों आप देख सकते हो एक छोटी सी प्लेट नीचे रखी हुई है, इट हैज एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH क्या करता है, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा देता है हवा में से, और उसको ऊपर से ढक दिए बेल जार से. इट इज अ ग्लास जार विच इज बेल शेप्ड, और वो CO2 उड़ गई है. तो वो जो पौधा था उसकी, अगर आप देख रहे हो फर्स्ट प्लांट जो है उसमें कुछ फूल और पत्ते कम है, इसको बैठ टू सेकेंड प्लांट. पहले वाले में कटोरी जिसमें रखी है, बोल रखा हुआ है जिसमें एल्कोहलिक क्यों है, दूसरे में एब्सेंट है. दूसरा पौधा ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट. कितनों को बात समझ आई. तो दिस प्रूव दैट CO2 इज ऑल्सो असेंशियल. तो ये एक्सपेरिमेंट है, विल डिस्कस दीज एक्सपेरिमेंट इन द नेक्स्ट क्लास. कितने बच्चों को न्यूट्रिशन टॉपिक समझ आ चुका है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस आल्सो.